आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो, द क्वेश्चन इज अ जीन हैज टू एलील्स कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। कैपिटल बी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर एक्स एंड स्मॉल बी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टर वाई। कैपिटल बी इज कम्प्लीटली डोमिनेंट ओवर स्मॉल बी। अनदर जीन ए इज एपिस्टैटिक ऑन जीन बी। When A is in dominant condition, it suppresses the expression of capital B and small b and gives rise to character Z. In recessive condition, allele A allows the expression of capital B and small b. When an organism with genotype heterozygous A and heterozygous B or heterogeneous A and heterogeneous B is crossed with another organism with genotype heterogeneous A and heterogeneous B, the ratio of the characters X, Y and Z seen in the offspring is. तो question का मतलब है, एक जीन का दो allele है, B, capital B और small b, और capital B dominant है और प्रोड्यूस करता है या एक्सप्रेस करता है कैरेक्टरिस्टिक एक्स, और स्मॉल बी रिसेसिव है और एक्सप्रेस करता है कैरेक्टरिस्टिक वाई। तो ये कैपिटल बी इज कम्प्लीटली डोमिनेंट ओवर स्मॉल बी। और एक और जीन है ए, उसका दो एलील्स है कैपिटल ए और स्मॉल ए, और ए जो है ये एपिस्टैटिक ओवर जीन बी है। इसका मतलब, एपिस्टैटिक मतलब वन जीन कैन इन्फ्लुएंस द एक्सप्रेशन ऑफ अदर जीन। तो ए जीन ए बी जीन का एक्सप्रेशन को इन्फ्लुएंस करता है। तो इधर ये क्या कर रहा है, जब भी एक ए जीन डोमिनेंट कंडीशन, मतलब ए डोमिनेंट हो सकता है इधर ए ए या ए ए कंडीशन में प्रेजेंट है, तब कैपिटल बी और स्मॉल बी दोनों का कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्रेस नहीं होंगे बल्कि जी कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्रेस होंगे, ठीक है। और जब ये एलील ए रिसेसिव कंडीशन में है तो कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो क्वेश्चन है, अगर हमने कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी और स्मॉल बी को, एक ऑर्गेनिज्म को, एक कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी एक और ऑर्गेनिज्म के साथ क्रॉस किया, तो फिनोटाइप में एक्स वाई जी का रेशियो क्या है। तो ये जो भी गैमेट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं इसे हम एक पुनेट स्क्वायर के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो अगर हमने इनका क्रॉस लिखा तो हमें ये कॉम्बिनेशन वाले ऑफस्प्रिंग्स मिलेंगे। तो इनका फिनोटाइप लिखते हैं या कैरेक्टरिस्टिक कौन सा एक्सप्रेस हो रहा है उसे लिखते हैं। तो यहाँ पर सिंस कैपिटल ए है, मतलब ए डोमिनेंट कंडीशन में है, एपिस्टैटिक इफेक्ट से यहाँ पर फिनोटाइप जी होगा या कैरेक्टरिस्टिक जो एक्सप्रेस हो रहा है वो जी कैरेक्टरिस्टिक है। और यहाँ पर भी ए डोमिनेंट कंडीशन में है तो जी ही आएगा फिनोटाइप में। यहाँ पर भी फिर से ए है डोमिनेंट कंडीशन में, यहाँ पर रिपीटेड, यहाँ पर भी ए है, डोमिनेंट ए, डोमिनेंट ए, डोमिनेंट ए, डोमिनेंट ए, डोमिनेंट ए। और यहाँ पर देख सकते हैं ए डोमिनेंट कंडीशन में नहीं है बल्कि रिसेसिव कंडीशन में है, तो एपिस्टैटिक इफेक्ट नहीं है। यहाँ पर बी है डोमिनेंट कंडीशन में, अगर बी डोमिनेंट कंडीशन में है तो ये एक्सप्रेस करेगा फिनोटाइप या कैरेक्टरिस्टिक एक्स। और यहाँ पर भी सिर्फ बी है डोमिनेंट कंडीशन में, और स्मॉल बी जो है वो रिसेसिव कंडीशन में एक है, पर बी इज कम्प्लीटली, कैपिटल बी इज कम्प्लीटली डोमिनेंट ओवर स्मॉल बी, तो बी का कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा एक्स। इसके बाद लास्ट रो देखते हैं, तो यहाँ पर भी ए है डोमिनेंट कंडीशन में तो जी, यहाँ पर भी जी, यहाँ पर देख सकते हैं कि ए रिसेसिव कंडीशन में है और एक बी डोमिनेंट कंडीशन में है तो एक्स कैरेक्टरिस्टिक, और यहाँ पर सब रिसेसिव है, बी भी रिसेसिव है, ए भी रिसेसिव है, तो बी अगर रिसेसिव कंडीशन में है तो वाई कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्रेस होगा। तो आप देख सकते हैं जी कैरेक्टरिस्टिक है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 है,
और x जो है 1, 2, 3 और y 1 है, तो रेशियो होगा एक्स वाई जेड का, x का 3, y का 1 और z का 12। तो अब हम ऑप्शंस को देखते हैं। यहाँ पर हमारा ऑप्शन है, हमें मिला था x, y, z का 3, 1, 12। ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी जो है वही है 3, 1, 12, ऑप्शन सी 1, 12, 3 है, गलत है, ऑप्शन डी 9, 4, 3 है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।